एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सुरेश अपनी पत्नी सुमन और 5 साल की बेटी चिंकी के साथ रहता था। सुरेश एक ढाबे में खाना बनाने का काम किया करता था, मगर वो दिन रात ढाबे पर काम करके भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। एक दिन सुरेश की पत्नी सुमन सुरेश से कहती है, अजी आप दिन रात ढाबे पर काम करते हो, फिर भी आप उतना ही कमा पाते हो जिससे हम लोगों का पेट भर सके, पर हमारी जरूरतें उन सब का क्या? चिंकी अब 5 साल की हो गई है, उसका बड़े स्कूल में दाखिला करने का मेरा सपना लगता है सपना ही बनकर रह जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम काहे को इतना टेंशन लेती हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सुरेश तैयार होकर सुमन से अपने खाने का डिब्बा लेता है और काम पर निकल जाता है। सुरेश ढाबे पर पहुंचकर देखता है कि ढाबे में आग लगने की वजह से ढाबा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सुरेश सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सुरेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी को रोते हुए सारी बात बताता है। अजी ढाबे से तो हमारे घर का खर्चा चलता था, ढाबा ही नहीं रहा तो अब घर का खर्च, मकान का किराया, ये सब कहां से पूरा होगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना, तो वो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। फिर सुरेश रोज काम की तलाश में घर से निकलता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ कितने दिन हो गए हैं, आपने मेरे लिए स्पेशल वाला ऑमलेट नहीं बनाया, आप तो बस रोज रोज चटनी बना देती हो। सुमन मन ही मन बोलती है, हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, अब तो घर में बचे खुचे पैसे भी खत्म होने लगे हैं, न जाने कब चिंकी के पापा को कोई अच्छा सा काम मिलेगा और कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। फिर सुमन दुकान से अंडे लेकर आती है और उन अंडों का बढ़िया आमलेट बनाकर चिंकी को देती है। तभी सुरेश भी थका हारा घर आता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो रसोई से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ऑमलेट बनाया है, आइए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। सुरेश ऑमलेट खाते हुए सुमन से बोलता है, असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है, इतना बढ़िया ऑमलेट है कि आमलेट और ऑमलेट बनाने वाली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजी ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताओ आपको कहीं कोई काम मिला या नहीं। ऑमलेट खाते हुए चिंकी बोलती है, मां आपने इतना बढ़िया ऑमलेट बनाया है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी सुमन मुस्कुराते हुए सुरेश से कहती है, अजी क्यों ना हम घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगाएं, अब हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पर तुम तो यहाँ क्या पड़ोस के लोगों को जानती ही हो ना। अजी हम अपने घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगाएंगे और जिसे जो बोलना है बोलने दो। फिर अगले दिन से सुमन अपने घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगा लेती है। जैसे ही सुमन ऑमलेट बनाना शुरू करती है, तभी महेश और मनदीप नाम के दो दोस्त ठेले के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह सुमन भाभी, आपके ठेले से तो क्या बढ़िया ऑमलेट की खुशबू आ रही है। वाह वाह। हाँ भाई मनदीप, जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो सोच ऑमलेट कितना बढ़िया होगा। अरे भाभी जल्दी से हम दोनों के लिए है एक प्लेट ऑमलेट तो देना। वो दोनों ऑमलेट खाते हैं और बोलते हैं, वाह वाह भाभी, आपके हाथों के ऑमलेट खाकर तो मजा ही आ गया भाई, वाह वाह। फिर कुछ ही देर में सुमन के ठेले के आसपास ऑमलेट खाने वालों की काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी वहां सुमन के पड़ोस में रहने वाली सुमन काकी आती है और सुमन को ऑमलेट बनता देख गुस्से से बोलती है, हरे हरे हरे, अरे ओ सुमन की बच्ची, ये सब क्या लगा रखा है तूने? अरे तुझे पता है ना कि यहाँ हम जैसे पूजा पाठ वाले लोग रहते हैं और तू है कि यहाँ ये अंडा संडा बनाने लगी है, और वो भी ठीक मेरे घर के सामने। देख सुमन, मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, ये अपना ऑमलेट का ठेला यहाँ से हटा ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुमन बोलती है, काकी मैं भी आपसे प्यार से बोल रही हूँ कि ये ऑमलेट का ठेला तो अब से रोज यहीं लगेगा, आपसे जो बनता है कर लो। अरे अरे जरा देखो तो, इस लड़की को मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है, तुझे तो मैं देख लूंगी। ऐसा बोलकर काकी वहां से चली जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है। सुरेश और सुमन ठेला बंद करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सुरेश सुमन से कहता है, भाग्यवान मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे पड़ोसी हमें ऑमलेट का ठेला लगाने के लिए मना करेंगे। अजी पड़ोसियों को मारो गोली, और ये देखो आज दिन भर की हमारी कमाई, एक ही दिन में हम लोगों ने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। अजी अब तो ये ऑमलेट का ठेला रोज लगेगा, अब आप उस काकी की चिंता ना करो, उसे तुम्हें देख लूंगी। अब सुमन रोज घर के बाहर ऑमलेट बनाकर बेचने लगती है। सुमन के हाथों की बनी ऑमलेट खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे।
और कुछ ही दिनों में सुमन के घर के हालात सुधरने लगे थे। मगर सुमन काकी रोज सुमन के ठेले के सामने खड़े होकर उसे बहुत जली कटी सुनाती थी और सुमन भी काकी को पलटकर जवाब देती थी। एक दिन काकी सुबह सुबह सुमन को हाथ में थैला ले जाते हुए देखती है। जरूर ये सुमन ऑमलेट बनाने का सामान लेने के लिए बाजार जा रही होगी, यही अच्छा मौका है सुमन को मजा चखाने का। जैसी ही सुमन नाले के पास से गुजर रही होती है, काकी पीछे से सुमन को धक्का देकर नाले में गिरा देती है। सुमन नाले में डूबने लगती है। काकी तुमने मुझे पीछे से धक्का दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत दुखी किया है तूने मुझे, मर जाके। नाले में डूबकर सुमन की मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। इस काकी ने मुझे नाले में डुबोकर मार डाला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन की मौत की खबर सुरेश को मिलती है तो सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं। अपनी पत्नी की याद में सुरेश की हालत खराब होने लगती है और बेचारी चिंकी भी दिन रात रो रोकर अपनी माँ को याद करती रहती है। सुमन चुड़ैल के रूप में दूर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। हे भगवान, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। ऐसा बोलकर सुमन अपनी छोटी बहन मीना के घर जाती है। मीना मैं हूँ, सुमन तुम्हारी बड़ी बहन। फिर चुड़ैल मीना को सारी बात बताती है। मीना तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं उस काकी को तुम्हारी मौत की सजा जरूर दिलवाएंगी। और तुम जीजा जी और चिंकी की चिंता मत करो, अब से मैं उनका ध्यान रखूंगी। मीना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और हाँ, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं देख सकता। फिर मीना अपनी दीदी के घर जाती है। चिंकी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश होती है। मौसी आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, मौसी मुझे ऑमलेट खाना है। मीना मन ही मन बोलती है, मुझे तो ऑमलेट बनाना आता ही नहीं। मीना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ जिससे तुम ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी और मेरी तरह ऑमलेट भी बना पाओगी। अब चुड़ैल की मदद से मीना चिंकी को बढ़िया ऑमलेट बनाकर खिलाती है और साथ ही अपने घर के बाहर फिर से ऑमलेट बनाना शुरू कर देती है। अब चुड़ैल मीना के शरीर में प्रवेश करके बढ़िया बढ़िया ऑमलेट बनाकर लोगों को खिलाने लगती है। तभी वहाँ काकी आती है। अरे अरे अरे, अब ये लड़की कहाँ से आ गई? कितनी मुश्किल से उस सुमन से पीछा छुड़ाया था, अब ये कहाँ से आकर यहाँ ऑमलेट बनाने लगी? खैर कोई नहीं, जैसे उस सुमन को नाली में धक्का मारकर मैंने मारा, उसी तरह इसे भी ठिकाने लगा दूंगी। अरे काकी मन ही मन क्या बड़बड़ किए जा रही हो। अरे लड़की, यहाँ ये आमलेट सामलेट नहीं बनेगा, अपना ये आमलेट का ठेला बंद कर और चलती बन यहाँ से। तभी ऑमलेट खा रहे कुछ लोग काकी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। अरे काकी आप आमलेट नहीं खाती हो तो ना सही, पर हम लोगों को तो चैन से आमलेट खाने दो। काकी गुस्से में वहां से चली जाती है और मन ही मन बोलती है। कोई नहीं, आज तुम लोग मजे से ऑमलेट खाओ, पर जब कल ये ऑमलेट बनाने वाली ही नहीं रहेगी तो फिर क्या खाक ऑमलेट खाओगे? अगली सुबह मीना ऑमलेट बनाने का सामान लेने के लिए घर से निकलती है। चुड़ैल भी मीना के साथ चल देती है। तभी पीछे से काकी भी मौका देखकर चुपके से मीना के पीछे चल पड़ती है। चुड़ैल काकी को मीना का पीछा करते देख लेती है। मीना काकी तुम्हारे पीछे आ रही है, यही मौका है काकी को सबक सिखाने का। मीना मौका देखकर पुलिस को फोन करके नाले वाली जगह बुला लेती है। मीना जैसे ही नाले के पास पहुंचती है, काकी मीना को नाले में धक्का देती है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और काकी को पकड़ लेती है। पुलिस लोगों की मदद से मीना को नाले के बाहर निकाल लेती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह काकी ने मुझे नाले में धक्का देकर मारने की कोशिश की है, उसी तरह इसने मेरी दीदी को नाले में धक्का देकर मार डाला। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। तभी चुड़ैल सभी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, मैं चाहती तो काकी को पहले ही मार डालती, पर ऐसा करके मुझे न्याय नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब मैं मीनाक्षी हूँ, जैसे इसने मेरी बहन मीना को मारना चाहा, उसी तरह इसने मुझे मार डाला। काकी को सजा मिलते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। मीना पवन और पिंकी के साथ ही रहने लगती है और रोज ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है।